अर्जुन का कर्ण को फटकारना, युधिष्ठिर का अर्जुन आदि से मिलना और भगवान का स्तवन करना। संजय ने कहा, महाराज, एक तो भीमसेन का रथ टूट गया था, दूसरे कर्ण ने उन्हें अपने वाग बाणों से खूब पीड़ित किया था। इससे वे क्रोध के वशीभूत होकर अर्जुन से बोले, धनंजय, सुनते होना, तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे कहता है कि अरे मूढ़, पेटू, गवार, बालक और कायर, तू लड़ना छोड़ दे। मेरे विषय में ऐसी बात मुंह से निकालने वाला मनुष्य मेरा वध्य है, इसलिए तुम इसका वध करने के लिए मेरी बात याद रखो और ऐसा उद्योग करो जिससे मेरा वचन मिथ्या न हो। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्ण के निकट जाकर बोले, पापी कर्ण, तू आप ही अपनी तारीफ किया करता है। संग्राम भूमि में डटे हुए शूर वीरों को दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं, जीत या हार। आज युद्ध में सात्यकी ने तुझे रथहीन कर दिया था, तेरी इंद्रियां विकल हो रही थी, तू मौत के निकट पहुंच चुका था, तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होने वाली है, यह सोचकर ही सात्यकी ने तुझे जीवित छोड़ दिया है। देव योग से तूने भी महाबली भीमसेन को किसी तरह रथहीन किया है, किंतु ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं, वह महान पाप है। यह काम नीच पुरुषों का है। आखिर तू सूत का ही तो पुत्र ठहरा, तेरी समझ गवारों की सी क्यों ना हो? महापराक्रमी भीमसेन के प्रति तूने जो अप्रिय बातें सुनाई हैं, वे सहन करने योग्य नहीं हैं। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्री कृष्ण की भी उधर ही दृष्टि थी, जबकि आर्य भीम ने तुझे अनेकों बार रथहीन किया था, परंतु उन्होंने तेरे लिए एक बार भी कड़ी जबान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें बहुत से कटु वचन सुनाए हैं, तथा मेरी अनुपस्थिति में तुम सबने मिलकर जो सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का वध किया है, उस अन्याय का अब तुझे शीघ्र ही फल मिलेगा। अब मैं तुझे तेरे सेवक, पुत्र और बंधुओं सहित मार डालूंगा। युद्ध में तेरे देखते-देखते तेरे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। उस समय मोहवश यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जाएंगे, तो उनका भी संहार कर डालूंगा। यह बात मैं अपने शस्त्रों की शपथ खाकर कहता हूँ। इस प्रकार जब अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, उस समय रथियों ने महान तुमुल नाद किया। वह अत्यंत भयंकर संग्राम अभी चल ही रहा था, इतने में सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगाकर कहा, विजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। यह भी बहुत अच्छा हुआ कि पापी वृद्ध क्षत्र अपने पुत्र के साथ मारा गया। भारत कौरव सेना के मुकाबले में आकर देवताओं का दल भी परास्त हो सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अर्जुन, मैं तो तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ लोहा ले सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र और यमराज के समान है। आज अकेले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तुम बंधु बांधवों सहित कर्ण को मार डालोगे, तो पुनः तुम्हें बधाई दूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव, यह तो तुम्हारी ही कृपा है जिससे मैंने प्रतिज्ञा पूरी की। तुम जिनके स्वामी हो, रक्षक हो, उनकी विजय होने में आश्चर्य ही क्या है? अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान धीरे-धीरे घोड़ों को हांकते हुए चले और युद्ध का वह दारुण दृश्य अर्जुन को दिखाने लगे। वे बोले, अर्जुन, जो लोग युद्ध में विजय और महान सुयश पाने की इच्छा कर रहे थे, वे ही ये शूरवीर नरेश
आज तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके शरीर का मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गया है। ये बड़ी विकलता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनकी देह में प्राण नहीं है, तो भी बदन पर दमकती हुई दीप्ति के कारण ये जीवित से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा वाहन यहाँ पड़े हैं, जिनसे यह रणभूमि भर गई है। इस प्रकार संग्राम भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने स्वजनों के साथ अपना पांच जन्य शंख बजाया। फिर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज, सौभाग्य की बात है कि आपका शत्रु मारा गया। इसके लिए आपको बधाई है। आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यह बड़े हर्ष का विषय है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर रथ से कूद पड़े और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को गले लगाकर मिले। उस समय वे आनंद के उमड़ते हुए आंसुओं से भीग रहे थे। वे बोले, कमल नयन श्री कृष्ण, आपके मुख से यह प्रिय समाचार सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। वास्तव में अर्जुन ने यह अद्भुत काम किया है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त देख रहा हूँ। यह बहुत अच्छा हुआ कि पापी जयद्रथ मारा गया। कृष्ण, आपके द्वारा सुरक्षित होकर पार्थ ने जो जयद्रथ का वध किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप तो सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित के साधन में ही लगे रहते हैं। जनार्दन, जो काम देवताओं से भी नहीं हो सकता था, उसे अर्जुन ने आपके ही बुद्धि, बल और पराक्रम से संपन्न किया है। यह चराचर जगत आपकी ही कृपा से अपने अपने वर्णाश्रमोचित मार्ग में स्थित हो, जब होम आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है। पहले यह सारा दृश्य प्रपंच एकार्णव में निमग्न अंधकारमय था, आपके अनुग्रह से यह पुनः जगत के रूप में प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं। आप ही इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। जो आपका दर्शन पा जाते हैं उन्हें कभी मोह नहीं होता। आप पुराण पुरुष हैं, परम देव हैं, देवताओं के भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर से भी पर हैं। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो सभी वेदों में गाए जाते हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहें, जो सबके ईश्वर हैं उनके भी आप ही ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माधव, आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, सबके आत्मा हैं, आपका अभ्युदय हो। आप धनंजय के मित्र, हितु और रक्षक हैं। आपकी शरण में जाने से मनुष्य की सुख पूर्वक उन्नति होती है। भगवन, प्राचीन महर्षि मार्कंडेय जी आपके चरित्रों को जानने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले आपके महात्मय और प्रभाव का वर्णन किया था। असित, देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यास जी ने भी आपकी महिमा का गान किया है। आप तेजह स्वरूप, पर ब्रह्म, सत्य, महान तप, कल्याणमय तथा जगत के आदि कारण हैं। आपने ही इस थावर जंगम रूप जगत की सृष्टि की है। जगदीश्वर, जब प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय यह आदि अंत से रहित
आप परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। वेदों के विद्वान आपको धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत तथा विश्वतोमुख आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि और मुमुक्षुओं के आश्रय भूत भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्व को देवता भी नहीं जानते। ऐसे सर्वगुण संपन्न आप परमात्मा को हमने अपना सखा बनाया है। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसार में शस्त्र ज्ञान, बाहुबल, धैर्य, शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धि में कहीं कोई भी अर्जुन के समान नहीं है। इसी से आपके छोटे भाई ने रणभूमि में शत्रु सेना का संहार करके सिंधुराज का मस्तक काट डाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले लगाया और उनके बदन पर हाथ फेरकर शाबाशी देते हुए कहा, अर्जुन, जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सौभाग्य का विषय है कि इस समय तुम्हारे सिर का भार उतर गया। जयद्रथ को मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तदनंतर शूरवीर भीमसेन और सात्यकी ने भी धर्मराज को प्रणाम किया। उनके साथ पंचाल देशीय राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया। वे बोले, आज बड़े आनंद की बात है कि तुम दोनों को मैं इस सैन्य रूपी सागर से मुक्त देख रहा हूँ। तुम दोनों युद्ध में विजयी हुए। तुम्हारे मुकाबले में आकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गए। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से तुमने कर्ण को हराया और राजा शल्य को भी मार भगाया। अब तुम्हें सकुशल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करते और मेरे प्रति गौरव के बंधन में बंधे रहते हो। संग्राम में तुम्हारी कभी हार नहीं होती। तुम दोनों बिल्कुल मेरे कहने के अनुरूप हो। सौभाग्य से ही आज तुम्हें जीते जागते देख रहा हूँ। भीमसेन और सात्यकी से ऐसा कहकर धर्मराज ने उन्हें फिर गले लगाया और आनंद के आंसू बहाने लगे। राजन, उस समय पांडवों की संपूर्ण सेना आनंद मग्न हो गई। फिर उसने बड़े उत्साह के साथ युद्ध में मन लगाया।